अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे जिदनी इल्मन, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अरबिक लैंग्वेज के लिए हमने कुछ चीज़ें जमा की हैं, जिसमें आज जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ जो जानवर हैं उनके अरबी में नाम, ताकि आप लोगों को इस नॉलेज में यह इजाफा हो जाए कि जो अरबी में जानवरों के नाम हैं तो क्या क्या कहते हैं। जैसे कि अभी ये मकड़ी है, तो मकड़ी को अरबी में कहते हैं अनकबूत, बटेर को कहते हैं सुमन, चूहे को कहते हैं फारुन, हुदहुद कहते हैं हुदहुदी लिखा है, भेड़िए जैब, कबूतर को हमाम, बैल को सोरन, बिछड़े को अजल, घोड़े को इसान भी कहते हैं, चीते को कहते हैं नमर, जैबरे को हमार या वेशी, गधे को अमल, चूंटी को नमल, मेंढक को फुनफुदा, चिड़िया असफूरन और खटमल को बकत, मच्छर को बउजत कहते हैं। दूसरा भी इसका नाम है मुर्ग को दजाज कहते हैं, मुर्गी को दजाजता। जो मोनस है उनके आगे जो है आप ते लगाएंगे, तो बतख को बत, कुत्ते को कलब, ऊंट को नाकता भी कहते हैं, बकरी को शातुन, कुतिया कलबतुन, भेड़ को गनम, भैंस को जामूसुन, गाय को बकरतुन, शेर को असद, रीछ को दुब, हाथी को फील, कवे को औराक, तोते को बेवा, मोर को तऊस, मोरनी को तऊसत। इस तरह मैंने पहले बताया कि ती लगा दें तो वो मक्खी को जुबाब, बिच्छू को अकरब, कछुए को कहते हैं सलहाफा, और सांप का नाम है सांप, बिल्ली को हर, और बिल्ली को हरत, और बिल्ला जो है हर, मछली को समक। इसके अलावा जो जानवर हैं उसके भी नाम मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा वीडियो में। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसमें हाथ पांव और इन सब के नाम होंगे। तो जिन लोगों को अरबी में इन चीज़ों के नाम चाहिए, इसके अलावा लैंग्वेज में जो भी बेसिक नॉलेजेज हैं वो भी, और इसके अलावा जो वोकेबलरी है वो सब हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आपने और भी सीखने हैं तो हम वक्तन फ़वक्तन इसमें और वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।